बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन होम्योस्टेसिस वन ऑफ द मैकेनिज्म इज थर्मोरेगुलेशन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। जब बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो तो कोई भी एनिमल अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जिस मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन रखता है उसे हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। इस लेक्चर में हम थर्मोरेगुलेशन एनिमल्स के अंदर स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ एनिमल थर्मोरेगुलेशन क्या हैं, किन तरीकों से एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और बाहर एनवायरनमेंट के साथ उसको चेंज नहीं होने देते। सो टेम्परेचर जो है ना किसी एनिमल का, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, मीन उसकी बॉडी हीट का चेंज का रेट क्या है, बाहर से कितनी हीट ले रहा है, उसकी अपनी बॉडी के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और लॉस कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, चेंज मीन ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है बॉडी हीट का। और रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिज्म। एक तो हीट वो है जो एनिमल की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है जिसे हम मेटाबॉलिक हीट कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे डिपेंड करती है बॉडी हीट, एंड सेकेंडली रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट डिपेंड करता है रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन, बाहर से कितनी हीट ले रहा है कोई भी एनिमल, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड रेट ऑफ हीट लॉस और वो कितनी हीट लॉस कर रहा है, कितनी हीट का लॉस हो रहा है उसकी बॉडी से बाहर के एनवायरनमेंट में कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। और किसी भी एनिमल का टेम्परेचर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे डिपेंड करता है। हीट गेन और लॉस की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज़ डन इन मैनी वेज। बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए एनिमल जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज करता है, ट्रांसफ़र करता है हीट को, कभी हीट गेन करता है, कभी हीट लॉस करता है। सो अगर हम हीट गेन की बात करें तो हीट गेन जो है टू मेथड से मेनली होती है एनिमल्स के अंदर। एनिमल बाहर एनवायरनमेंट से दो तरीकों से लेता है हीट, एक है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन एंड सेकेंड इज डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट। सूरज से जो भी सनलाइट आ रही होती है और रिफ्लेक्टेड और डायरेक्ट दोनों, वो और इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन जो होती हैं उनसे लेता है एनिमल हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। हीट लॉस की बात करें तो एनिमल से हीट लॉस कैसे होती है, एनिमल से हीट सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसकी बॉडी से बाहर कैसे जाती है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है ऑन रेडिएशन। कुछ हीट जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में बॉडी को लीव करती है एनिमल बॉडी को। एंड सेकेंड इज एवेपरेशन। एवेपरेशन के मैकेनिज्म के दौरान भी हीट लॉस होता है और किसी भी एनिमल का बॉडी टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है, क्योंकि हीट जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में लूज होती है। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन एनिमल्स की बात करें तो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमारे पास दो क्लासिफिकेशन मौजूद हैं। वन इज ओल्ड क्लासिफिकेशन एंड अदर इज न्यू क्लासिफिकेशन। ओल्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, मीन अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर वेरी करे तो एनिमल उसके अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर हम इस बेस पे एनिमल्स को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कोई भी एनिमल किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज आए, तो इस बेस पे अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो इसे हम ओल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। जबकि न्यू क्लासिफिकेशन रीसेंट क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि एनिमल का सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या है, वो हीट कहाँ से ड्राइव कर रहा है, या फिर ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक हीट पे, ठीक है। न्यू क्लासिफिकेशन में हम किस बेस पे क्लासेस में डिवाइड करते हैं एनिमल्स को, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक हीट। सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या है और मेटाबॉलिक हीट का लेवल क्या है, उसकी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, इस बेस पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज न्यू क्लासिफिकेशन। सो ओल्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके अगेंस्ट एनिमल्स का रिस्पॉन्स किस तरह से होगा। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वन इज स्पिकेलोथर्म्स। स्पिकेलो मीन वेरिएबल एंड थर्म्स मीन हीट। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी हीट जो है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, बॉडी टेम्परेचर इनका फ्लैक्चुएट करता है,
इन एनिमल्स को हम पिकेलोथर्म्स कहते हैं, इनको कॉमनली हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। सेकेंड जो ग्रुप है जिसके अंदर हम एनिमल को प्लेस करें हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन में, इट इज़ होमियोथर्म्स। होमियो मीन कॉन्स्टेंट आर सेम एंड थर्म्स मीन टेम्परेचर आर हीट। सो वो एनिमल जिनका बॉडी का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट नहीं करता, बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो तो उनका बॉडी का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट नहीं करता, बल्कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उन एनिमल्स को हम किस में प्लेस करते हैं? होमियोथर्म्स में। और इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल। सो ओल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर टू ग्रुप्स हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। पिकेलोथर्म्स, सबसे पहले हमारे पास वो एनिमल्स आते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। दीज इंक्लूड एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट मोर आर लेस विद चेंजिंग एयर एंड वाटर टेम्परेचर। अगर बाहर वाटर एंड एयर टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके साथ साथ इनका बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लैक्चुएट करता है, और ये जो फ्लैक्चुएशंस हैं, जो चेंजेस आती हैं इनके बॉडी के टेम्परेचर के अंदर, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एनिमल्स का टेम्परेचर डिपेंड करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे, बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इन्हें इन्फ्लुएंस करता है और इनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है। एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड आर पिकेलोथर्मिक एनिमल्स इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे फिशेज हैं, एलिगेटर, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल, ये सारे ये एनिमल्स जो हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट होमियोथर्म्स, कॉन्स्टेंट थर्म्स मीन टेम्परेचर, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, मीन चेंज नहीं होता, ऐसे एनिमल्स को हम होमियोथर्म्स में प्लेस करते हैं, ठीक है। एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन इन चेंजिंग एयर एंड वाटर टेम्परेचर, अगर बाहर सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज हो तो इससे इनको कुछ इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, इन को हम होमियोथर्म्स कहते हैं। एग्जांपल्स में बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं इनको हम होमियोथर्म्स या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट है, डॉग, व्हेल, ह्यूमंस, कैट, ये सारे मैमल्स हैं, एंड बर्ड्स, ईगल है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं कि बॉडी का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट नहीं करता विद चेंजिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर, सो ये मेंटेन रखते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर, इस वजह से हम इन्हें होमियोथर्म्स में प्लेस करते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल? वार्म ब्लडेड एनिमल्स या होमियोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है, चाहे बाहर कोल्ड हो या हॉट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाहर कोल्ड है और ये बॉडी का टेम्परेचर है इस एनिमल का, इसी तरह अगर बाहर हॉट है तो बॉडी का टेम्परेचर इसका फिर भी सेम है, तो चाहे बाय टेम्परेचर चेंज हो, जिस तरह से भी टेम्परेचर चेंज हो, इनकी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनका बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, ये फ्लैक्चुएट नहीं करता, तो ऐसे एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनका टेम्परेचर डिपेंड करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के ऊपर, और इस बात पे डिपेंड करता है कि वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट आउटसाइड। बाहर अगर कोल्ड टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर एनवायरनमेंट का डिक्रीज हो, तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। अगर बाहर हॉट है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सराउंडिंग एनवायरनमेंट का, तो इस तरह इनका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इनका बॉडी का टेम्परेचर कम है, जबकि हॉट एनवायरनमेंट के अंदर बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, सेम नहीं रहता इनका बॉडी का टेम्परेचर, फ्लैक्चुएट करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, तो ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत सी ऑब्जेक्शंस थी, बहुत सी डिफ़िकल्टीज थी जो इस क्लासिफिकेशन के अंदर अराइज हुई, जिसकी वजह से हमें न्यू क्लासिफिकेशन बनाना पड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज द ऑब्जेक्शंस ऑन ओल्ड क्लासिफिकेशन? ओल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्शन की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि फिशेस पिकेलोथर्म्स हैं, मीन कोल्ड ब्लडेड हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता रहता है, फ्लैक्चुएट करता है, जब सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज हो तो फिशेस का टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि हमने फिशेस को पिकेलोथर्म्स के अंदर प्लेस किया ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक। लेकिन डीप सी फिशेस जो हैं ये मेंटेन करती हैं अपना बॉडी का टेम्परेचर, बिकॉज इनकी सराउंडिंग में कॉन्स्टेंट नेचुरल इन्वायरमेंट मौजूद होता है, तो वहाँ पर कंडीशन चेंज नहीं होती, इस वजह से ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं।
सो डीप सी फिशेज जो हैं ये पिकेलोथम्स में नहीं आती क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा। ऑल दो ये फिश हैं लेकिन हम इन्हें प्लेस नहीं कर सकते पिकेलोथम्स के अंदर। इसी तरह अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस का टेम्परेचर भी फ्लैक्चुएट करता है। एम्फीबियंस को भी हमने किस में प्लेस किया, पिकेलोथम्स के अंदर या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर। लेकिन लिजर्ड एम्फीबियंस होने के बावजूद रेगुलेट करती है अपना बॉडी टेम्परेचर, ये मेंटेन करती है अपना बॉडी का टेम्परेचर। बाहर के टेम्परेचर के साथ इसकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट नहीं करता, कम या ज़्यादा नहीं होता, बल्कि ये हर हाल में रेगुलेट करती है अपना बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन रखती है। तो ये भी एम्फीबियन होने के बावजूद पिकेलोथम्स से बिलोंग नहीं करती, कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है। इसी तरह वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हमने कहा कि बर्ड्स एंड मैमल्स क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं, होमियोथर्म्स हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर हर हाल में मेंटेन रखते हैं, बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता इनका बॉडी टेम्परेचर। लेकिन कुछ बर्ड्स एंड मैमल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर वेरी करता है, फ्लैक्चुएट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ। इसमें आते हैं हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स। तो ये वो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं जो होमियोथर्म्स नहीं हैं, होमियोथर्म्स के अंदर नहीं होते। ऑल दो ये बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, इन्हीं क्लासेस से बिलोंग करते हैं। सो देखा आपने कि अगर हम बात करें एनिमल्स की तो सेम ग्रुप के अंदर आने वाले एनिमल्स का इवन रिस्पॉन्स सेम नहीं है अगेंस्ट टेम्परेचर चेंज। बाहर टेम्परेचर चेंज आता है तो हर क्लास के एनिमल जो हैं, जैसे लिजर्ड हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, वो सारे एनिमल्स जो एक किसी भी ग्रुप के अंदर आ रहे हैं वो एक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते अगेंस्ट एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज। सो इस वजह से न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये डिज़ाइन किया गया। न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, मीन एनिमल हीट कहाँ से ले रहा है, उसका सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या है, इंटरनल प्रोड्यूस हो रही है, बाहर से ले रहा है, ठीक है, इस बात पे इसका डिपेंड करता है, या फिर डिपेंड करता है मेटाबॉलिक हीट के लेवल पे कि उसके अंदर मेटाबॉलिक हीट का लेवल क्या है। क्लासिफिकेशन के अंदर एनिमल्स को डिवाइड किया गया है तीन ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट एंडोथर्म, सेकेंड इज एक्टोथर्म एंड थर्ड इज हेटरोथर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोथर्म्स, एंडोथर्म्स आर द एनिमल्स, एंडो मीन इनसाइड, एंथर्म्स मीन हीट, मीन ऐसे एनिमल जिनका सोर्स ऑफ हीट क्या है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम सोर्स ऑफ हीट पे क्लासिफाई कर रहे हैं ना, सो एंडोथर्म्स मीन इनसाइड, थर्म मीन हीट। तो ऐसे एनिमल जिनका सोर्स ऑफ हीट इंटरनल है उन्हें हम किस में, एंडोथर्म्स के अंदर। दीज आर द एनिमल दैट जनरेट्स देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। इन एनिमल्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शन में हीट एज बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती है। सो इनका हीट ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या है, देयर ओन बॉडी हीट। ये अपनी ओन बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं, अपनी बॉडी हीट खुद से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विद इन द बॉडी। सो ऐसे एनिमल्स को हम किस में प्लेस करते हैं, एंडोथर्म्स के अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एनिमल इंक्लूड्स बर्ड्स, फिशेस, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। These are endotherms. Next is ectotherms. Ecto mean outside, therms mean heat. ऐसे एनिमल जिनका सोर्स ऑफ हीट जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से है, मीन बाहर से ले रहे हैं अपनी बॉडी हीट, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, ectotherms. Animals which produce metabolic heat at low level and that is also exchanged quickly with environment. कैसे इन्वायरमेंट से करते हैं ये एक्सचेंज, कि एब्जॉर्ब करते हैं हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। ऐसे एनिमल जो मेटाबॉलिक हीट कम लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा हीट प्रोडक्शन नहीं होती ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, सो इन्हें बाहर इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो ऐसे एनिमल्स को हम किस क्लास में प्लेस करेंगे, एक्टोथर्म्स के अंदर। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एनिमल इंक्लूड्स मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। यहाँ पे डायग्राम के अंदर क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल, फ्रॉग, स्नेक, ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, एक्टोथर्म्स से। इनके अंदर मेटाबॉलिक हीट लो लेवल पे प्रोड्यूस होती है, सो इनका सोर्स ऑफ हीट क्या है, आउटसाइड इन्वायरमेंट, ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। लास्ट इज हेट्रोथर्म, हेट्रो मीन डिफरेंट एंड थर्म्स मीन हीट, मीन इनका वेरिएबल सोर्स है हीट का। एनिमल्स हु आर कैपेबल ऑफ वेरियंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, वो एनिमल्स जिनके अंदर एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन वो वेरी करती है, मीन मेटाबॉलिज्म के दौरान इनके अंदर
समटाइम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और समटाइम कम हीट प्रोड्यूस होती है, वेरी करती रहती है एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन. एंड दे आल्सो डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन द नैरो रेंज. तो वो एनिमल जिनके अंदर एक तो एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन जो है ये वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, और साथ में वो एनिमल अपना बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट नहीं करते नैरो रेंज के अंदर, तो ऐसे एनिमल्स को जो इन दो कंडीशंस को फॉलो कर रहे होते हैं इनको हम हेट्रोथर्म्स में प्लेस करते हैं न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. एंड इन एनिमल्स की एग्जांपल में आते हैं बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स ये एग्जाम्पल हैं हेट्रोथर्म्स की. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.